देश में बढ़ती महंगाई को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने बुधवार को राज्य और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर गरीबों का खून चूसने का काम कर रही है। साथ ही तेजस्वी यादव ने पेट्रोल, डीजल, एलपीजी की बढ़ी कीमतों पर भी सरकार को घिरा। बता दें कि आने वाली 18 तारीख को बिहार के सभी प्रखंडों में आरजेडी विरोध प्रदर्शन करेगी और साथ ही 19 तारीख को हर जिला मुख्यालय में भी विरोध दर्ज कराएगी। डबल इंजन की सरकार है बिहार में, चोर दरवाजे से आई हुई। कहते थे अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। 27 जिलों से भी ज्यादा जिलों में जो है 100 से ऊपर चला गया पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम, एलपीजी गैस का दाम जो है महंगा हो गया, खाद के दाम जो है वो महंगे हो गए। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, मर रहे हैं। इसको लेकर के हम लोग जो है आने वाले 18 तारीख को सभी बिहार के प्रखंडों में और 19 तारीख को सभी जिला मुख्यालय में हम लोग इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे। और ये सरकार तो गरीबों की सरकार नहीं, पूंजीपतियों की सरकार है। आम आदमी भी जो तबाह हो चुका था इस कोरोना काल में, अब सबके जो है खाने के लाले पड़े हुए हैं, भुखमरी के कगार पे लोग जो है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बजट सेशन के दौरान हुए बवाल को लेकर विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने लिखा कि 23 मार्च 2021 को विधानसभा में हुई घटना की वजह से विधायक अब तक डरे हुए हैं। मार्च की घटना से विधायक गण इतने डरे हैं कि अगले सेशन में हाउस आने से डर रहे हैं। सभी विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने बैठक कर विधानसभा अध्यक्ष से सुरक्षा की गारंटी देने की मांग की है। तेजस्वी ने साथ ही साफ किया कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो 25 जुलाई को महागठबंधन भी बैठक करेगी और इस मुद्दे पर चर्चा करेगी। 25 तारीख को हम सभी विपक्ष के नेताओं के साथ, अलग अलग पार्टियों के साथ हम लोग बैठेंगे, महागठबंधन के साथियों के साथ बैठेंगे, फिर निर्णय लेंगे। हालांकि आज हमने चिट्ठी जो है हमने लिखा भी है, अब देखते हैं कि अध्यक्ष साहब का क्या रिप्लाई आता। लेकिन भय का वातावरण है विधायकों में कि भाई पिछले बार जनता के सवाल पे पिटाई हुई थी, गाली खाए थे, कूटे गए थे, महिलाओं का घसीटा गया था, बाल नोचा गया था, साड़ी खोला गया था, इस बार वैसा क्या माहौल आएगा भाई, क्या है? तो सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए। तेजस्वी यादव से जनसंख्या नियंत्रण पर जब सवाल पूछा गया तो तेजस्वी इस सवाल को टाल गए और बोला कि अभी बिल सामने नहीं आया है, जब आएगा तब इस पर बात करेंगे। इस पे कोई सवाल तो अभी कोई टॉपिक है नहीं, ऐसा कोई विधेयक तो हमारे सामने आया नहीं है जहाँ विपक्ष अपनी राय दे सके। जब आएगा तब हम राय दे। जब तेजस्वी यादव से लॉ एंड ऑर्डर और टेरर अटैक पर सवाल पूछा गया तो तेजस्वी ने उस सवाल को टालते हुए स्वास्थ्य व्यवस्था पर सरकार को घिरा। जो भी आप छोड़िए ना, बिहार में कहीं वैक्सीन जो है वो नहीं मिल रहा। गोपालगंज की तस्वीरें देख लीजिए, लोग मर रहे हैं वैक्सीन लेने के लिए, सरकार के पास वैक्सीन ही नहीं है। आप चले जाइए शेखपुरा तो रिवॉल्विंग जो बेड आता है उसमें जो है फूल उग रहे हैं, पूरी तरीके से भ्रष्टाचार के बलि चढ़ गया है। साथ ही कोरोना वैक्सीन की कमी पर भी सरकार से जवाब तलब किया। अपने स्थापना दिवस के दिन दम दिखाने वाली आरजेडी अब जब 18 और 19 जुलाई को सरकार को घेरेगी तो देखना होगा कि तेजस्वी का हल्ला बोल कितना असरदार होता है, जनता इससे कितना जुड़ती है और सत्ता पक्ष पर कितना दबाव बनता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।